अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आयशा लाइफस्टाइल में। तो आ गई हूँ मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। बहुत अरसे के बाद मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो आज की वीडियो क्या है मैं आपको कुछ देर बाद बताती हूँ, पर उससे पहले मेरे इंस्टा को फॉलो करें, ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा, और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आने वाली हर आयशा लाइफस्टाइल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो आज की वीडियो ये कि अम्मी आपको पता आ चुकी हैं, तो अम्मी मुझे बोल रही थी कि मुझे ना किसी से मिलने जाना है, तो मैं सोचा कि आज अम्मी की ख्वाहिश पूरी करूं और अम्मी को उस इंसान से मिलवाने लेके जाऊं। तो चलें अब अम्मी को देखते हैं, अम्मी रेडी हुई कि नहीं हुई। चलें तो अम्मी आप रेडी हैं जाने के लिए? हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो निकलते हैं। चलो अच्छा, जल्दी वापस आएंगे। तो अम्मी आज किससे मिलने जा रही हैं, अम्मी आप बताएं। और मैं अपनी ना बड़ी नान से मिलने जा रही हूँ। जी बड़ी अम्मी, अपनी बड़ी नान से मिलने जा रही हूँ। मेरी कज़न भी है, फूफो की बेटी भी है, मेरी बड़ी नान दा सब मेरी नंदों से बड़ी है। क्योंकि मैं ना शादी पे गई थी तो बाकी सब मुझे मिले थे, वो नहीं मिली थी। तो अम्मी का बहुत दिल कर रहा था कि मुझे हमेशा मैं कहने आशा मुझे लेके जाओ लेके जाओ, क्योंकि वो आई हुई है अपनी बेटी के घर, वैसे बहुत दूर रहती हैं। तो वो अम्मी ने कहा वो आई हुई तो मुझसे मिल लो, फिर पता नहीं टाइम मिले मिले ना मिले, बस होता नहीं। आजकल ऐसे होता है कि जिंदगी का क्या भरोसा अभी है, कब तक है कोई पता नहीं, कितने मिनट है, कितने महीने है, कितने साल है। तो मेरा दिल कर रहा था कि वो करीब आई हुई है, मिला हूँ मैं, फिर उनका घर बहुत दूर है, जाना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ से। अच्छा, इसलिए आशा मुझे लेके जा रही है। तो चलें चलते हैं, और आपको भी पता चलेगा कि मैं अपनी किस फूफो के घर जा रही हूँ और वहाँ उनकी बेटियाँ भी होंगी। अम्मी आप खुश हैं ना? खुश हूँ, क्योंकि मैं अम्मी की खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अम्मी खुश रहें बस, क्योंकि अबू को तो मैंने खो दिया पर मम्मी को खोना चाहती, तो इसलिए अम्मी जो मुझे बोलती वो करती हूँ। तो मैं खुश है ना? खुश हूँ। चले ठीक है, चलो चलते हैं। ये देखें अनमोल सो गई है गाड़ी में और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सोचा है जल्दी पहुंच जाएंगे पर फिर लेट हो गए। ये देखें आप इसको, ये देखो सो गई। हाँ अनमोल हाँ सुबह उठती है ना, सुबह उठती है गाड़ी में सो जाती हूँ, मैं कक्षा में सो जाती थी गाड़ी में। नहीं सुबह स्कूल जो गई है 7 बजे हुई है ना, तो अब क्या होगा वहाँ जाती हूँ, 5 बजे सो जाना, सोचा जल्दी पहुँच जाएंगे ट्रैफिक है। तो पहुँच चुके हैं हम फूफो के घर, और ये देखें जी अभी तक सोई हुई है ये। उठो उठो अनमोल, उठा रहे हैं, उठो आ चुके हैं घर, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ चले। क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो ये मैं अपनी कज़न है, मेरी फूफो मेरी यहाँ आई है ना आपके घर। जी जी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मम्मी का दिल कर रहा था अपनी बड़ी नाद से मिलने को, तो वो मिल नहीं सकी थी शादी पर, क्योंकि वो वलीमा पर आई थी और मम्मी ने कहा मैं उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मतलब सबसे मिल चुकी हूँ उमरा करने से पहले, और अब उमरा करने के बाद मम्मी आई हैं उनसे मिलने। तो और सबसे पहले तो यहाँ कौन है? अस्सलाम वालेकुम, आप दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो बहुत बहुत आपको। अस्सलाम वालेकुम, चलो ये मिल रहे हैं अपनी बड़ी नंद से, बड़ी नंद से। चलो बैठ चलो बैठ चार। मैंने आपको देखा था भाई, दावत थी आपकी। हाँ जी दावत थी, और सुनाया ठीक है जो दिल करते हैं। मम्मी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह का मेरे जी। जूस आ चुका है सबसे पहले यहाँ, जो मेरी कजन है आपने देखा ही होगा उन्हें बिलाल की शादी पर देखा था ना, हाँ तो उनके घर हम आए हुए हैं। तो ये जूस सबसे पहले उन्होंने मेरे लिए, हाँ
मेरी तबीयत नहीं ठीक थी पता है। अच्छा आजकल ना मेरे सर में बड़ा दर्द होता है। कैसी हो? ये सारे बैठे हैं तो मैं भी आपको मैं देखती रहती हूँ आजकल इंस्टाग्राम पर। आप मेरी फीचर्स लगाती है कि मैं भी शायद मेरी कजन की बेटी है। पहले आपने उसको देखा होगा पर आज फिर मारी। आज मैं तैयार नहीं। तैयार की क्या बात है, नेचुरल नेचुरल ब्यूटी। मैंने भी कुछ नहीं किया, ऐसे उठ के आ गई हूँ। बस जी आजकल ना मेरे सर में बड़ी दर्द होती है, क्या करूँ। मैं दम करती हूँ, आप देखिएगा सही हो जी। आजकल ना मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप ना ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, आपको गुस्सा नहीं आएगा। अच्छा आपके हाथ के खाने तो मैंने कल पहले कटिंग की है, ये देखे। तो अब मैं बनाऊंगी वेजिटेबल्स, बंद गोभी, शिमला मिर्च और क्या बनाने लगी है। मैं मैक्रोनी। देर हो जाएगी हमने जाने। नहीं वो 5 मिनट लगने हैं, आपको नहीं पता मिर्च मिनट का। अच्छा तो आज देखती हूँ आप कैसे बनाती हैं, ठीक है। और आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ रेसिपी, ठीक है। तो यहाँ मैं ऊपर आई हूँ, तो यहाँ स्पैगेटी रेडी की है मैविश ने। आपने देखे होगा मैविश को, पर आजकल वो पता नहीं कुछ मारी है। थोड़े दिन बाद फिर मिलवाऊंगी मैविश से, मिलेगी ना जी। ये देखे जी स्पैगेटी रेडी है, जो आशी बाजी कहती थी मैं बना रही, पर बनाई किसी आशी बाजी नहीं है, पर वो ना कहती है मैं दूसरे काम कर रही। तो ये चलो, तो ये देखें, तो आशी बाजी कह रही टी टाइम है, तो नीचे चाय का मतलब उन्होंने सामान रेडी किया, तो जाते हैं टेबल में देखते हैं, ठीक है। मैं शाजू बिल्कुल चलो। यहाँ देखें जी आशी बाजी ने मेरे लिए ये सब कुछ किया, और मैविश ने और मेरे जो नाजरी बाजी ने किया, और बताएंगे आज मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसी है इस बैग की, सच बताऊंगी। सुनना फिर क्योंकि मेरे से ना झुक जाता और दूध बहुत सच्ची है। चले ठीक है, मम्मी को बुलाऊंगी पहले। आदत हो गई, बहुत मजा आया। कैचअप लाओ और ज्यादा मजा आएगा। ठंडी होगी पर खाने मजा आएगा। कुछ करता हूँ सबसे ज्यादा। अच्छा अच्छा चले हम सुन रहे हैं। हाँ जी चले, आप अभी आपको पार्क लेके जाएंगे, फिर आप बताना आपको झूले भी दिलाएंगे। जी बिल्कुल वहाँ पर है। कैसा लगा आपको हमारे घर, फर्स्ट टाइम आई है ना? अच्छा लगा, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हम मिल तो चुके हैं लेकिन आप फर्स्ट टाइम हमारे घर आई है ना, बहुत ज्यादा। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप आई है हमारे घर। थैंक यू। अब हम पार्क जा रहे हैं, शाम हो गई है, देखें शाम। चले कहाँ है मुझे बताएं पार्क कहाँ है। घर बन रही है, काफी घर बन चुके हैं, अब थोड़े से रह गए, साथ साथ बन रहे हैं। DHA कौन सा है ये? बहुत जबरदस्त है ये, पर ना मुझे तो डेरे टाउन के अलावा कुछ पसंद नहीं आता। नहीं मैं सच बता रही हूँ, मैविश को भी डेरे टाउन पसंद है, मैविश ने मुझे बताया जो सच सच है। तो पहले ना मुझे वापटा टाउन बहुत अच्छा लगा था जब फर्स्ट टाइम हम गए थे ना, मतलब वापटा टाउन की सोसाइटी बड़ी अच्छी लगी थी। मैं मुझे लगता था वापटा टाउन से अच्छी सोसाइटी नहीं हुई जब फर्स्ट टाइम गए,
होता है ना, पर जब मैं भैरव टाउन गई तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। जब हम गए थे तब इतना ज्यादा नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा रश हो गया है, ज्यादा हो गया। हम भी जब यहाँ पर आए थे इतने गंदी बने थे, तो काफी यहाँ बहुत ज्यादा अभी तक नहीं बने। पहले तो बिल्कुल बहुत स्मार्ट हो गए हाँ, तो बहुत मुझे सफाई का मजा है आपको, मुझे बहुत मजा है आपके साथ, सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं मेरे टाउन वाले, मैं सही बता रही हूँ। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैं तो यही कहती हूँ सब बैर टाउन में आ जाए, सबको अपनी सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है। मैं न्यू घर आप ले बैर टाउन में ले, मैं भी प्लीज सबको ही कहूंगी, फिर हम सब मिलके ना इंजॉय क्या करेंगे। जी हम पार्क में पहुंच चुकी हैं, बड़ा खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया ये देखें, ये आपका पार्क में ज्यादा पसंद आया बैर टाउन से। हमारी सोसाइटी की भी तारीफ करनी ही गई है आपको, मजबूरी है, पार्क अच्छा है के बाद पार्क अच्छा लगा, बाकी जो बाहर जगह है ना वो नहीं मुझे अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लग रहा है, चाहे दिन के टाइम इतना अच्छा नहीं लग रहा, लाइट्स की वजह से अच्छा लग रहा है। अच्छा दिन के टाइम तो बहुत है, मैं नहीं आई, ये देखो यहाँ आज फिर मुझे झूले दिलाने हैं, मैंने आज झूले दिलाने हैं। सुबह बहुत मजा आता होगा ना मॉर्निंग में, अच्छा मॉर्निंग में यहाँ इनको वॉक करवाएंगे, इनको वॉक करवाएंगे, पतली हो जाएंगी, सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है। आपके घर के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल हमारे घर तो है, हमारे घर ये बहुत ज्यादा करीब है, बहुत करीब है, पर सुबह सुबह किसका दिल करता है उठे, आप उठने में दिल करेगा, ठंड में उठने में दिल करता है, और आसमान देखें जी, चलो चले आप चले, मुझे कह रही है वो बच्चे ले रही है, बच्चों के साथ दिल नहीं तोड़ते बच्चों का, कैसा लग रहा आपको, मजा आ रहा है, थोड़ी तेज से ले, इतनी आराम से ले रही है, नहीं तेज नहीं लेना, डर लग रहा है, काफी टाइम बाद लगता ले रही है, पीछे से भी करे ना फिर ठीक हो जाएगा, जो आप पीछे से कर दोगे आप भी आ जाओगे चैनल पे, नहीं इसने नहीं आना, तो खुद नहीं लाते कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है इतने टाइम के बाद आप ले रही है, कैसा लग रहा है। ये इस बात से तो मैं भी एग्री करती हूँ आपकी, आशी आंटी को जब गुस्सा आ जाता है ना बस, फिर कोई भी उनके आसपास हो ना वो भाग ही जाता है। बहुत मजा आया, और यही अभी पार्क में एक फैन आ गई मेरी जी, बहुत खुश हुई आशी बाजी, बड़ी खुशी हुई है, आशी बाजी कह रही है कि भी बहुत खुश हुई है, और मैं बहुत खुश हुई है कि उन्होंने मॉल को देखा पहले के, देखते हूं कि ये ही है, और वही बात आप आमना की सिस्टर है हमेशा की, फिर मेरा नाम आता है अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं खुश होती हूँ, अच्छी बात है अपनी बहन के साथ, मैं तो खुश होती, लोग बड़ा नाराज होते हैं आमना की तारीफ करते हैं तो ना, मतलब मेरी तारीफ करते हैं लोग, तो मैं कहती हूँ आमना का नाम लो, चलो लेवल सबसे ऊपर है माशाल्लाह, नहीं मतलब मैं उसकी तारीफ कर, हमारे खानदान में कोई नहीं है, लोग कहते हैं ना कि ना ये ना अपनी तारीफ सुनती है आमना की करती है, तो हक है ना उसकी तारीफ का, ये बात है, किसी का हक नहीं मारती कि मैं कहूँ नहीं मैं खुद हूँ, मैं कहती नहीं मेरी आमना की वजह से मैं हूँ, एक और अपना बनाना शुरू कर दूँ की मैं आज मैं आई हूँ, नहीं तो इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ आमना की ज्यादा रिस्पेक्ट करें आप, सबको समझना चाहिए कि वो पहले बाद में सब, ये सबको समझ आ जाए ना तो सब ठीक हो जाए। तो चले अब जाने का टाइम आ चुका है, अम्मी आ जाए, चले चले जी, आपको फोर्स से मिलना, ये मेरी सबसे बड़ी गुप्त है कि सब भूल जाते हैं, तो सारे मुझे कैसे मैं पढ़ूं, इनके बच्चे कहते हैं आशीर्वाद आती है, आशीर्वाद का तो सबको पता है, नहीं आशीर्वाद कहते हैं अम्मी को, मैं ना शादी गई थी ना तो मिली नहीं थी ना अपनी बाजी से, तो फिर मैं इसलिए मिलने आई हूँ, बाकी सबसे मिल लिया, तो अम्मी इतनी जिंदगी का पता मिनट का नहीं पता है, बैठ गए।